हाँ उसको वही रखिए, वही रहो तो सवाल जय हिंद मित्रों। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको, यह शांति नगर क्षेत्र है रिंग रोड पर। यहां पर हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा है, और ठीक हमारे पीछे और सामने आप बाइक और तमाम बड़ी वाहनों को आप देख पा रहे हैं जिनको चक्का जाम करके रोक दिया गया है। रोकने का प्रमुख कारण यह है कि नालियों में जल जमाव की स्थिति निर्मित हो जाने से घरों पर पानी प्रवेश कर जा रहा है। पहले भी इस तरह की घटनाएं और समस्याएं सामने आती रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में राजेंद्र नगर में जल जमाव की स्थिति से बेसमेंट में पानी प्रवेश कर जाने से 3 छात्रों की दुखद मृत्यु हो गई। यह जल जमाव साधारण बात नहीं है। इसी जल जमाव की वजह से अगर छात्रों की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं घरों में पानी प्रवेश करता है। छोटे बच्चे यदि खेल रहे होते हैं या इस तरह से जल जमाव के पानी के नालों में यदि वह गिर जाते हैं तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर बालको प्रबंधन और निगम से भी नाली में पानी निकासी की मांग करने बाबत यहाँ पर जो है चक्का जाम करके रखे हैं। ये हम जानते हैं यह समस्या कितने दिनों से है और क्या कुछ मांगे और भी हैं। भैया जय श्री राम, अपना परिचय देंगे दर्शकों को। गीतानंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम, वार्ड नंबर 35 के अंतर्गत रिंग रोड का ये हिस्सा है जहाँ पे शांति नगर, न्यू शांति नगर, रिंग रोड की बस्ती बसी हुई है। और आप देख सकते हैं कि बालको प्लांट के सबसे नज़दीक का वार्ड ये है, और बालको प्रबंधन बड़ी बड़ी बात करता है हमेशा कि हमारे द्वारा चिकित्सा के लिए और रायपुर में ये खोला गया केंद्र, कवर्धा में ये गांव गोद लिया गया, वहां ये विकास किया गया CSR से, लेकिन दिया तले अंधेरा। आप देख सकते हैं कि बालको किस प्रकार से यहां के लोगों को और ठगने का काम कर रहा है। इस बस्ती में वही लोग रहते हैं जो कूलिंग टावर क्षेत्र में प्रभावित है। पहले तो वहाँ पे लोग शांतिपूर्वक रहते थे, कूलिंग टावर का राक्षस नुमा वहाँ पे और संयंत्र बना के वहाँ के लोगों को दूसरे जगह भगाने का षड्यंत्र बालकों ने रचा। न्यू शांति नगर में भोले भाली जनता यहाँ पे आके बस गई, उसके पश्चात यहाँ पे जब पानी भर रहा है तो उसके निकासी की व्यवस्था नहीं कर रहा है बालको। बालको हमेशा ये और आश्वासन देता है कि रोड और नाली और नाले का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन हमेशा बेवकूफ़ बना देते हैं। तो बालको प्रशासन की निष्क्रियता और नगर निगम के महापौर की निष्क्रियता का परिणाम यहाँ की जनता भुगत रही है। पार्षद निधि 7 लाख रुपए सालाना होता है, जिससे हम लोगों ने 2 बार यहाँ पे और रोड का निर्माण कराया, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे रोड और नाला बनाने के लिए बृहद पैमाने पे कार्य करने की आवश्यकता है। रोड के दूसरे साइड जो बालको का नाला है उसे बाधित कर देता है बालको, जिससे बस्ती का पानी इसमें जाता नहीं है और घरों में पानी घुस रहा है, घर की दीवारें गिर रही है, इस प्रकार की स्थिति है। हम लोगों के द्वारा सुबह से श्रमदान करके जितना पानी की निकासी हो सकी कर रहे हैं, लेकिन अब अंततः जब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है तो बस्ती वासी यहाँ पे मजबूर हो गए रोड पे बैठने के लिए। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, यह समस्या कितने दिनों से जो है यह क्षेत्रवासी झेल रहे हैं? ये क्षेत्रवासी ये समस्या हर बरसात में झेलते हैं। बरसात आती है और चूंकि लो लाइन एरिया यहाँ पे है, जिसके कारण पानी यहाँ पे भर जाता है और JCB से काट के हम लोग हमेशा निकलवाते हैं। कहीं ना कहीं यह जानबूझकर छोड़ दिया जाना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल बालको प्रशासन की ये जानबूझ के की गई वो जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ पे लोग छोड़ के स्वयं चले जाएं, उनको मुआवजा ना देना पड़े, और यहाँ के विकास कार्यों से वो अपने मुँह को मोड़ रहा है और ये जमीन को इंक्रोच करना चाहता है। क्षेत्र के आप स्थानीय नागरिक हैं, लगातार आप सब इसकी मांग करते आ रहे हैं, लगातार पानी जल जमाव होता रहा है, अभी आप सब क्या चाहते हैं? अभी तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक परमानेंट यहाँ पर एक बड़े नाले का निर्माण कराया जाए बालको प्रबंधन के द्वारा, ताकि जो बरसात का पानी है, विगत 15 वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है, सकरा है जिसके यहाँ नाली बालको का सकरा है, बैकफिलिंग हो रहा है, पूरा पानी घरों में भर रहा है। आज घर ऐसे हो गए हैं, जर्जर अवस्था में हो गए हैं पानी भरने के कारण, कई घर गिर भी गए हैं। हमारे पार्षद महोदय द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया, जिसे पाया गया कि 4-5 घर गिर चुका है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति है वो बिल्कुल ना हो यहाँ पर।
जब तक कि हमारा विस्थापन पुनर्वास नहीं कर। दीवार जब गिरी घर का अगर क्षतिग्रस्त होता है तो कहीं ना कहीं घर के निवास लोग निवास करते हैं, घर के सदस्य, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। अभी हाल फिलहाल हमने दिल्ली में देखा बेसमेंट में पानी भरने से क्या हाल हुआ। ठीक स्थिति अभी यहाँ पर होने वाली है कि रात में बच्चे सोए हैं, घर गिर गया, बच्चे दब के मर गए, ये स्थिति निर्मित हो रही है यहाँ पर। धन्यवाद दिलेन जी आपका। यह थे दिलेन जी। आइए हम जानते हैं कि कौन पीड़ित ऐसे रहे हैं जिनके मकान वाकई में गिर गए और वे बाल बाल बच गए। क्या नाम है आपका? फुलेश्वरी कुर्रे। अच्छा कुर्रे जी, आप यह बताइए कि आपका घर जो पानी जो अभी जल जमा हो रहा है उससे गिरा क्या? घर का कोई हिस्सा गिरा था क्या? ना अभी गिरा है इसको। क्या घर का क्या हिस्सा गिरा? पूरा एक पार के पूरा गिर गया है। दीवार गिरा? हाँ दीवार गिर गया। इस वक्त कौन कौन था? सब कोई है, मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है। तो शुक्र है कि घर का दीवार बाहर साइड गिरा। हाँ, अगर घर के साइड अंदर गिरता हाँ, तो हम लोग सब मर जाते। बड़ी दुर्घटना से इनकार हाँ, नहीं किया जा सकता। हाँ, हम लोग सब मर जाते। देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि नालियों, आइए हम आपको दिखाते हैं एक नाली का नजारा। हम बार बार क्यों कहते हैं, अभी दिल्ली में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, बालको प्रबंधन के जिम्मेदार लोग भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं और हम आपको बार बार बता रहे हैं। देखिए दिल्ली में अभी बेसमेंट में पानी प्रवेश कर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इसे छोटी मोटी समस्या नहीं आंकने की आवश्यकता है क्योंकि जल जमाव की स्थिति बेहद ही विकट समस्या रूप धारण ले सकती है। क्या निगम और बालको प्रबंधन को किसी की मौत का इंतजार है? यदि पानी का जल जमाव लगातार हो रहा है, वर्षों से हो रहा है, तो संबंधित प्रबंधन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति निर्मित न होने दें ताकि ऐसे लोगों के घर के दीवार न गिरे, वे दबकर मर न जाए, बड़ी दुर्घटना न होने पाए। देखिए हम नाला दिखाते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है यह छोटी नाली आप देख पा रहे हैं। अब किस तरह से पानी यहाँ से निकल पाएगा, कितनी तेजी से निकल पाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। जहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में बेसमेंट में पानी प्रवेश कर जाने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है, उससे शासन प्रशासन, अन्य जिले, अन्य राज्यों के लोग, प्रशासनिक लोग, निगम के लोग, जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको यह समझने की आवश्यकता है कि जल जमाव की स्थिति छोटी मोटी स्थिति नहीं है साहब, उसको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए कि अब यह पानी है और यह पानी को स्पष्ट रूप से नाले में इस तरह से जाना चाहिए, इसमें कोई रुकावट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें रोक लग जाती है और जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसे घरों में यह पानी प्रवेश कर जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही घर में पानी गिरते हैं, घुसते हैं, तो इस तरह की दीवारें वह कमजोर होती हैं और घरों की दीवारें भी कमजोर होती हैं और वह अचानक से धराशायी हो जाती हैं। उस वक्त घर परिवार का व्यक्ति सो रहा होता है और जिस वक्त घर परिवार का व्यक्ति सो रहा होगा और दीवार यदि गिर जाती है, दीवार धराशायी होकर गिर जाती है और उस वक्त उसमें कोई दबकर अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि बालको के यह शांति नगर क्षेत्र में अपनी नज़रे इनायत बरतें और इस तरह से जो नालियों में जो जल जमाव की स्थिति लगातार निर्मित हो रही है, वर्षों से समस्या आपने देखा, जनप्रतिनिधियों ने भी बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हर बरसात में होती है। तो चूँकि जब हर बरसात में यही स्थिति निर्मित हो रही है तो क्यों ना उसका निदान कर दिया जाए ताकि घर में बैठा, घर में सोया व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार न हो। यह भी शासनिक प्रशासनिक निगम की जिम्मेदारी है। तो हम शासन प्रशासन और निगम और संबंधित यहाँ के नज़दीकी बालको प्रबंधन से भी निवेदन करते हैं कि यदि इस तरह की समस्या हो रही है आपके क्षेत्र में और आपके सबसे नज़दीकी बस्ती यही शांति नगर है, इसकी देख रेख आप मुकम्मल रूप से करें और नालियों की जो है वह जो सक्रियकरण है उसे चौड़ीकरण करके उसको पानी को प्रवाहित करने का प्रयत्न करें जिससे बड़ी दुर्घटना भविष्य में निर्मित न होने पाए और क्षेत्रवासी अपना जीवन यापन कुशल और सुरक्षित रूप से कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।